ठीक, लेट टाइम से शुरू करेंगे अब। इमीडिएट चेंजेस हो गए, अर्ली चेंजेस हो गए, अब जो लेट चेंजेस हैं यानी लेट साइन ऑफ डेथ जो है उसमें जो सबसे पहले आती है यही पुट्रिफैक्शन ही है, यानी डिकम्पोजिशन जिसको हम कहते हैं। इसके बाद जो दोनों है एडिपोस ईयर फॉर्मेशन या ममीफिकेशन, वो इसी डिकम्पोजिशन का एक वर्जन है, बदला हुआ फॉर्म है। मेन जो है यही है डिकम्पोजिशन या पुट्रिफैक्शन जो होता है। अब ये क्या है पुट्रिफैक्शन, क्या होता है? ये एक प्रोसेस, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें जो बॉडी के ऑर्गेनिक टिश्यूज होते हैं, खासतौर से हमारे जो जितने भी ऑर्गेनिक बॉडी टिश्यूज होते हैं, वो दो प्रोसेस होती है। एक तो ऑटोलिसिस होती है, दूसरे बैक्टीरियल एक्शन होता है। जो एनरोबिक बैक्टीरिया होते हैं जो इन्वेट करते हैं आफ्टर डेथ, उनके एक्शन से बॉडी के जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं वो ब्रेक, उनका ब्रेक डाउन होता है इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में, इनऑर्गेनिक सिंपल कंपाउंड या एलिमेंट्स में। प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक टिश्यूज ब्रेक इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक कंपाउंड एलिमेंट्स ड्यू टू सेप्रोफाइटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऑटोलिसिस। बट ऑटोलिसिस से ठीक है हो रहे हैं, जो मेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें पुट्रिफैक्शन में, जो बाहर से जो इन्वेट करके जाते हैं, देखिए एनरोबिक ग्रुप होते हैं टोटल, एनरोबिक ग्रुप। इसमें अगर किसी को याद हो तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा बैक्टीरिया होता है? क्लॉस्ट्रिडियम परफ्यूम, क्लॉस्ट्रिडियम क्लास्ट्रिडियल विल्चाई या परफ्रिंजियन, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट आ गए। इसके अलावा कुछ डिप्थराइड्स भी हैं, स्टेफाइलोकोकस है, ये सब हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो है वो क्लास्ट्रिडियम विल्चाई। अब इससे एक एंजाइम निकलता है क्लास्ट्रिडियम विल्चाई से, लिसाइसिनेज। लिसाइसिनेज ये जो हेल्प करता है ब्रेक डाउन करने में बॉडी के टिश्यूज को, क्लास्ट्रिडियम विल्चाई से ये एंजाइम निकलता है लिसाइसिनेज। ये हेल्प करता है कॉम्प्लेक्स जो टिश्यूज होते हैं उनका ब्रेक डाउन करने में, इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में या एलिमेंट्स बनाने में आमतौर से। दूसरा चीज है हमारे अंदर की खुद ऑटोलिटिक एंजाइम्स, बॉडी जो आफ्टर डेथ है ना वो ऑटोलिटिक एंजाइम्स खुद निकालती है, जो जो फैट होते हैं उनको क्या करती है हाइड्रोलाइज कर देती है, जिससे डिकम्पोजिशन शुरू हो जाता है बॉडी का। जो सबसे पहले जो चेंज आता है आमतौर से, जो अर्लीस्ट ऑटोलिटिक चेंज होता है वो पैरेन्काइमेटस और ग्लैंडुलर टिश्यूज में शुरू होता है ये चेंजेस, और ब्रेन में भी उसी के साथ साथ शुरू हो जाता है। और जो मेन गैसेस जो बनती हैं उनके ऑटोलिसिस या डिकम्पोजिशन से, वो हाइड्रोजन सल्फाइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये सब जो है गैसें हैं, मरकैप्टन एंड मिथेन, ये सब गैसेस जब डिकम्पोजिशन शुरू होता है तो बॉडी से ये सब गैसेस बनती हैं। अर्लीस्ट ऑटोलिटिक चेंजेस अकर इन पैनकाइमेटस एंड ग्लैंडुलर टिश्यूज एंड इन द ब्रेन। यहाँ से सबसे पहले जो ऑटोलिसिस स्टार्ट हो जाती है हमारी बॉडी में, जो हमारे खुद की इंजाइम से ऑटोलिसिस शुरू होता है, लाइसिस होना शुरू हो जाती है। अब जो साइंस होती है डिकम्पोजिशन की, एक्सटर्नल साइंस जिनको हम कहते हैं, इसलिए इसमें ये कहा जाता है जो अर्लीस्ट साइन होती है डिकम्पोजिशन की वो क्या है, राइट इलियक फोसा पे एक ग्रीनिश डिस्कलरेशन अपियर होता है, ग्रीनिश डिस्कलरेशन अपियर राइट ओवर राइट इलियक फोसा। फर्स्ट जो एक्सटर्नल साइन है वो है डिस्कलरेशन, और ये कहाँ पे शुरू होती है, राइट इलियक फोसा में। कलर कौन सा होता है? ग्रीनिश कलर का शुरू होता है, और खासतौर से राइट इलियक फोसा पे अगर आप ध्यान दें तो जो राइट इलियक फोसा, वहां पे अगर ये इंटेस्टाइन की बात की जाए तो कौन सी पार्ट होता है वहां पे, देखिए वहीं पे इलियोसीकल जंक्शन है। हाँ सीकम, सीकम जो होता है वो एकदम समझिए सरफेस से जुड़ा हुआ है एक तरीके से, और वहां पे सबसे ज्यादा जो है बॉडी फ्लूइड्स वहीं पे एक्यूमुलेट रहते हैं, जो फीकल मैटर है फ्लूइड है सबसे ज्यादा सीकम में एक्यूमुलेट है वहीं पे सबसे ज्यादा। अगर कोई ये पूछे कि ये क्लास्ट्रिडियम विल्चाई कहाँ पे पाए जाते हैं तो मोस्ट एबंडेंट इन इलियोसीकल जंक्शन, इलियोसीकल जंक्शन पे सबसे ज्यादा ये
ऑर्गेनिज्म भी पाया जाता है। इसलिए सबसे पहले यहीं पे एक्सटर्नल साइन जो मिलती है वो ग्रेनिश डिस्कलरेशन मिलता है ओवर राइट इलियक फोसा पे। ठीक, और अगर इंटरनली पूछा जाए कि इंटरनली सबसे पहले कहां पे, तो सबसे पहले अंडर सरफेस ऑफ द लीवर। अगर इंटरनल कोई पूछे कि सबसे पहले कहां पे मिलती है, तो वो अंडर सरफेस ऑफ द लीवर पे मिलती है। अब इसका आंसर कब होता है, देखिए दो हमेशा हमने देखा समर्स में पहले होता है, विंटर्स में लेट होता है। समर्स में आफ्टर डेथ 12 आवर्स, मौत के 12 घंटे के बाद ये एक्सटर्नल जो फर्स्ट साइन है डिस्कलरेशन की वो आपको मिल जाएगी 12 घंटे के बाद मौत की। अब विंटर्स में 36 to 48 आवर्स, 36 से 48 घंटे के बाद विंटर्स में आफ्टर डेथ ये जो डिस्कलरेशन के साइन है ग्रीनिश कलर का राइट इलियक फोसा पे जो मिलेगा वो 36 to 48 आवर्स। अब जो इनका पैटर्न होता है, इनका जो पैटर्न होता है पहले कहाँ पे आएगा, चीज ये होती है राइट इलियक फोसा से शुरू हो रही है, उसके बाद पूरे एब्डोमेन पे ये ग्रीनिश डिस्कलरेशन, एक्सटर्नल जेनिटेलिया कवर करेगा, फेस नेक फ्रैक्स और लास्ट में लिम्स पे, ये इसका ऑर्डर ऑफ अपियरेंस होता है ग्रीनिश कलर का अपियरेंस। ये फर्स्ट एक्सटर्नल, अगर कोई ये पूछे कि व्हाट इज द फर्स्ट एक्सटर्नल साइन ऑफ डिकम्पोजिशन, तो वही ग्रीनिश डिस्कलरेशन और राइट इलियक फोसा, याद रखिएगा। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व क्लास्ट्रिडियम वेलचाई, जिससे कौन सा एंजाइम निकलता है, लिसाइसिनेज। अब नेक्स्ट इसके बाद आती है मार्बलिंग ऑफ द स्किन, इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा खासतौर से जो जो ये बैक्टीरिया जो इन्वेड करते हैं इनके लिए सबसे अच्छा मीडियम क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं यही इनके लिए सबसे अच्छा मीडियम होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, यानी पूरी बॉडी में फैलने के लिए जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये सबसे अच्छा रूट इनका होता है। अब जब ये ब्लड वेसल से होकर गुजरते हैं तो वहां जो हेमोग्लोबिन होती है उसको चेंज करते हैं, उसको डीनेचर एक तरीके से कह लीजिए, उसको चेंज करते जाते हैं किसमें, सल्फ में, हेमोग्लोबिन में, हेमोग्लोबिन का चेंज होता है। अब जब ये चेंज होना शुरू हो जाती है ड्यू टू क्यों, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलती है जब भी डिकम्पोजिशन स्टार्ट होता है, तो इस गैस की वजह से अब ये बन गई सल्फ में हेमोग्लोबिन, इसकी वजह से जो सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स होती है उनकी इनर वॉल पे एक स्टेनिंग होती है ग्रीनिश या रेडिश ब्राउन कलर की, और वही ग्रीनिश या रेडिश ब्राउन कलर की अपियरेंस जब शुरू होती है एक्सटर्नल वेसल्स में, सुपरफिशियल वेसल्स में, तो वो एक ब्रांचिंग पैटर्न देते हैं, लीनियर ब्रांचिंग पैटर्न जिसको कहते हैं, या आप रोड मैप कह लीजिए इसी को, रोड मैप। और जब ये रोड मैप बन के तैयार हुआ तो इसी को कहा जाता है मार्बलिंग ऑफ द स्किन। कौन कौन से एरिया पे शुरू होती है, सबसे पहले शोल्डर पे, फिर रूट्स ऑफ द लिम्ब, चाहे अपर लिम्ब हो लोअर लिम्ब हो, थाइज, साइड्स ऑफ द एब्डोमेन, साइड एब्डोमेन के दोनों साइड, एंड चेस्ट एंड नेक। देखिए ये जो एक्सटर्नल वेसल्स है इनकी जो ये अपियरेंस हो रही है ग्रीनिश या रेडिश ब्राउन, यहाँ रेडिश ब्राउन कलर का दिख रहा है ज्यादातर, तो यही जब इस तरीके की अपीयरेंस शुरू हो जाती है तो इसी को कहा जाता है रोड मैप या लीनियर ब्रांचिंग पैटर्न या मार्बलिंग ऑफ द स्किन। अब आंसेट क्या है, इसमें जो पूछा जाता है आमतौर से वो यही एक मार्बलिंग कब अपीयर होती है, मौत के कितनी देर के बाद अपीयर होती है, तो 36 to 48 आवर्स आफ्टर डेथ मार्बलिंग आपको दिख जाएगी डेड बॉडी पे। इसके बाद एक टर्म आता है पोस्टमार्टम ल्यूमिनेसेंस, कभी कभी क्या होता है ना बॉडी जब डेथ के बाद बॉडी कहीं पे पड़ी हुई है, 2-4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, उसके बाद वहां पे एक ऐसा लगता है कि वो जो डेड बॉडी है वहां से लाइट एमिट हो रही है, तो कलर छोड़ रही है एक तरीके से कह लीजिए, तो वो जो एमिशन ऑफ लाइट होता है वो डिकम्पोजिशन से नहीं होता, बल्कि उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो लाइट एमिट करते हैं, या कुछ लाइट एमिटिंग फंगस होते हैं, जब वो पड़ जाते हैं तो उसकी वजह से वहां से ऐसा लगता है कि लाइट एमिट हो रही है, लाइट निकल रही है उस बॉडी से, उसको कहा जाता है पोस्टमार्टम ल्यूमिनेसेंस। अब मेनली कंटामिनेशन बाई बैक्टीरिया, और उसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है वो फोटोबैक्टीरियम फिशराइट,
फिशराई, फोटोबैक्टीरियम फिशराई। इसके अलावा कुछ लुमिनेसेंट फंगस होते हैं, आर्मिलिया में आर्मिलेरिया मेलिया, और कुछ अदर बैक्टीरिया है जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, इसको पोस्टमार्टम ल्यूमिनेसेंस कहते हैं। टाइम एग्जैक्ट नहीं बताया गया कि किस टाइम पे ये होता है। नेक्स्ट आता है इसमें जो एक्सटर्नल साइन में, वो स्केलेटनाइजेशन ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी पे कब जो हो वो सिर्फ क्या बचेगा, स्केलेटन बचेगा, कितने टाइम के बाद। अब इसके लिए अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम बहुत वेरिएशन दिया गया। क्यों? क्योंकि अगर हमने बॉडी को बरी कर दिया, मतलब डीप बरीड बॉडी है, जमीन के बहुत अंदर अगर उसको दफनाया गया, तो उसका स्केलेटनाइजेशन जो है काफी लेट होगा। और अगर ऐसे ही सामने फेंकी हुई, मतलब बाहर ऐसे ही फेंक दी गई है, तो उसमें डिकम्पोजिशन जो होता है वो ज्यादा तेज होता है, तो वो उसका स्केलेटनाइजेशन पहले होगा, उसमें स्केलेटन पहले निकल जाएंगे, जो टिश्यूज है उनका डिस्ट्रक्शन जल्दी हो जाएगा। एक चीज ये होती है। अब ये डिपेंड करता है इन्हीं दो चीजों, बरीड बॉडी है या डिस्पोज्ड ऑफ ऑन लैंड या वाटर। अगर बरीड बॉडी है तो उसमें लेट होगा। इसके अलावा अगर डिस्पोज ऑफ है यही पे किसी जमीन पे या पानी में फेंकी हुई बॉडी है, तो इसमें जो ये प्रोसेस शुरू होती है विद इन फ्यू डेज टू फ्यू मंथ। कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों के अंदर पूरा इसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा, सिर्फ स्केलेटन बचेगा, अगर पानी पे फेंकी हुई है या जमीन पे ऐसे ही बाहर फेंक दी गई है डेड बॉडी। अगर उसको दफनाया गया, बरीड बॉडी है, तो कम से कम 1 साल लगता है उसका डिकम्पोजिशन में, एटलीस्ट 1 ईयर, 1 साल लगेगा, तब जाके वो स्केलेटल बचेगा। अब बोन्स की बात की जाती है कि बोन्स का डिस्ट्रक्शन कब शुरू होता है, तो आमतौर से कहा जाता है कि बोन्स का डिस्ट्रक्शन सबसे लेट होता है, अराउंड 7 to 10 ईयर, 7 से 10 साल के बाद बोन्स का डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है। बोन्स का डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है। ये जो एक्सटर्नल साइन थी, जो एक्सटर्नल चेंजेस हो रहे थे इसमें पुट्रिफैक्शन में, अब इसके बाद इंटरनल इंटरनल चेंजेस पुट्रीफैक्शन में, जो जो मोस्ट कॉमन ऑर्गन जो होता है वो लीवर, लीवर की बात करते हैं सबसे पहले। लीवर जो होता है अराउंड 12 to 24 आवर्स में साफ हो जाता है एकदम, आफ्टर 12 to 24 आवर्स लीवर बिकम सॉफ्ट एंड फ्लैबी। उसके बाद अगले 24 से 36 घंटे में वहां पे ब्लिस्टर, उसके जो सरफेस है लीवर का सरफेस है वहां पे ब्लिस्टर अपीयर हो जाते हैं। चौबीस से छत्तीस घंटे में उसके सरफेस से ब्लिस्टर अपीयर होने लगता है, और जब ब्लिस्टर अपीयर होते हैं तो एयर बबल्स बनती है उसमें, और जब यही ब्लिस्टर यहाँ पे अपियरेंस हो जाती है, एयर बबल्स बन जाती हैं, तो फिर जो लीवर की स्पेसिफिक अपियरेंस होती है वो किस तरीके की होती है, पुट्रिफैक्शन में लीवर का अपियरेंस कैसा होता है? कहते हैं ना फोमी लीवर, या स्विस चीज या फोमी लीवर अपियरेंस, जब ब्लिस्टर अपियर होने लगता है और वहां पे एयर बबल्स बन जाती है लीवर पे, तो इसको कहते हैं फोमी लीवर या स्विस चीज अपियरेंस। अब जब एयर बबल्स बनने लगे, ब्लिस्टर लीवर सरफेस पे बन गए हैं, तो उसके बाद जो लीवर का कलर होता है वो ग्रीनिश या कोल ब्लैक कलर का हो जाता है। ये इंटरनल चेंज था लीवर में। बेसिकली हमने फोमी लीवर तो यहाँ देख लिया, फोमी लीवर इसमें होता है। हनी कॉम्ब लीवर कहाँ था? एक्टिनोमाइकोसिस एक्टिनोमाइकोसिस में था हनी कॉम्ब लीवर, फोमी लीवर या स्विस चीज लीवर इसमें पुट्रिफैक्शन में था। हार्ट में भी कुछ चेंजेस होते हैं, हार्ट की जो मसल्स होती है वहां पे ना व्हाइट फ्लेक्स जमा हो जाते हैं, व्हाइट ग्रेनुलेशन टाइप का बन जाता है, ग्रेन्यूल टाइप की अपियरेंस होने लगती है उसके, खास तौर से जो इंडो। ब्लिस्टर अपीयरेंस किस टाइप का होता है, कैसा होता होगा? ब्लिस्टर कैसे अपियर होते हैं? छाले कभी पड़े हैं? जी सर। हाँ, तो वही छाले ही तो हैं, तो वहां पे क्या एयर बबल्स बन जाते हैं ना, तो
छालों के अंदर उसमें बजाय वहां पे किसी क्लियर फ्लूइड होने के, वहां पे क्या होते हैं, हवा भरी रहती है, उसी को एयर बबल्स कह दिया गया। और जब एयर बबल्स उसमें बन जाती है तो वही फोमी लीवर या स्विस चीज अपीयरेंस, चीज आपने देखी होगी उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, कहीं के इंडेंटेशन होते हैं थोड़े थोड़े, तो उसी को कह दिया गया वही अपीयरेंस दे देगी, स्पेसिफिक अपीयरेंस एक नाम ताकि याद रहे। कलर जो लीवर का हो जाता है वो ग्रीनिश या कोल ब्लैक कलर का हो जाता है। अब हार्ट की बात करते हैं, हार्ट में जो होता है ग्रेनुलेशन हो जाता है, यानी वहां पे व्हाइट कलर का ग्रेनुलेशन, ग्रेनुलर अपियरेंस होने लगती है, दानेदार जिसको हम कहते हैं, हार्ट के इंडोकार्डियम पे खासतौर से और एपिकार्डियल टिश्यू पे, इन दोनों जगहों पे, तो उसका एक नाम दे दिया गया मिलियरी फ्लेक्स। हार्ट में शो व्हाइट ग्रेनुलरिटी कंसिस्टिंग ऑफ कैल्शियम एंड सोपी मटेरियल, और इसी का नाम दिया गया मिलियरी फ्लेक्स। अब डिकम्पोजिशन की हम बात कर रहे थे, तो अर्ली डिकम्पोजिशन किस में होता है और लेट डिकम्पोजिशन किन किन वजहों पे होता है, एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज ये होती है कौन से ऐसे बॉडी के ऑर्गन है जो इसको रेजिस्ट करते हैं या सबसे लेट डिकम्पोज होते हैं। तो अर्ली पुट्रिफैक्शन में आमतौर से लैरिंग्स है, ट्रैकिया है, स्टमक, इंटेस्टाइन, स्प्लीन, लीवर, ब्रेन एंड ग्रेविड यूट्रस। और जो लेट पुट्रिफैक्शन होता है जिस किन ऑर्गन्स में, हार्ट में, लंग्स में, किडनीज में, ब्लड वेसल्स हैं, ब्लैडर है, प्रोस्टेट है और यूट्रस नॉन ग्रेविड। अब देखिए दो चीज, अगर कहीं पे ग्रेविड यूट्रस लिखा हुआ है और नॉन ग्रेविड यूट्रस लिखा हुआ है, और पूछ दे कि किसमें लेट पुट्रिफैक्शन होता है, सबसे लेट पुट्रिफैक्शन फीमेल्स में कहाँ होता है? यूट्रस ठीक है, यूट्रस तो हो रहा है, अब मैंने दो नाम दिया ग्रेविड एंड नॉन ग्रेविड यूट्रस, तो जो नॉन ग्रेविड यूट्रस नॉन है यानी ग्रेविड कभी कंसीव नहीं किया, वो सबसे लेट पुट्रिफाई होगा फीमेल्स में। मेल्स में प्रोस्टेट, बस ये दोनों है कि लेट पुट्रिफेक्शन किस में होता है। बस यहाँ पे यूट्रस पे एक चीज का ध्यान रखना है हमें कि ग्रेविड है कि नॉन ग्रेविड है, अगर वहां पे स्पेसिफिक लिखा गया है तो ठीक है, अदरवाइज सिर्फ यूट्रस है तो ठीक है, तो वही तो सबसे कॉमन हो जाएगा अगर फीमेल्स की बात पूछ ली जाएगी। अच्छा, राइगर मोर्टिस सबसे पहले कहाँ शुरू होती है? और पायलट्स में हार्ट में कहा देखिए आईलिड वाले आए, इसीलिए सबसे पहले मैंने बताया था कि इंटरनल आर्गन में सबसे पहले हार्ट में शुरू होती है राइगर मोर्टिस, और जब एक्सटर्नल की बात खाली की जाए तो वहां पे आईलिड से शुरू होती है। अब ऑप्शन में अगर आपके हार्ट और आईलिड दोनों दिया हुआ है और सिर्फ पूछ दे कि राइगर मोर्टिस फर्स्ट अपीयर सिन, सबसे पहले कहाँ पे अपीयर होती है, तो फिर जाहिर सी बात है कि ऑप्शन में हमारे हार्ट मौजूद है तो वहां पे। लेकिन अगर हार्ट भी ऑप्शन में है और ये पूछ दिया गया कि एक्सटर्नली एक्सटर्नल ऑर्गन में सबसे पहले कहाँ पे राइगर मोर्टिस स्टार्ट होगी, हार्ट भले ऑप्शन में अब है लेकिन क्योंकि अब वहां पे एक्सटर्नल की कैद लगा दी गई है, पूछ रहा है कि सिर्फ एक्सटर्नल में कहाँ सबसे पहले मिलेगा, तो वहां पे आईलिड आंसर होगा। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये तो हो गया, हार्ट में भी चेंजेस आ गए जिसको मिलियरी फ्लेक कहते हैं, व्हाइट ग्रेनुलेशन टिश्यू टाइप का अपियरेंस होने लगता है उसमें, ग्रेनुलेशन यानी दानेदार अपियरेंस होने लगती है वहां पे। अब यूट्रस और प्रोस्टेट सबसे लेट पुट्रिफाई होते हैं, डिकम्पोजिशन इनका सबसे लास्ट में होता है। अब एक चीज और होती है, डेथ के करीब 1 से 2 हफ्ते के बाद जो दांत होते हैं खासतौर से जो गम के नजदीक होते हैं उनमें भी कलर चेंज होता है, दांतों में जो गम के नजदीक होते हैं वो पिंक कलर के हो जाते हैं, पिंक टीथ 1 to 2 वीक आफ्टर डेथ ये अपियर होता है। क्यों अपियर होता है? क्योंकि जो डेंटाइन वेसल्स होती हैं, जो ट्यूब्यूल्स हमारे जो रूट में जो वेसल्स जो को सप्लाई करती हैं पल्प को, तो जो एक्स्ट्रा वेसल्स ब्लड होता है यानी जो वेसल्स के बाहर का ब्लड होता है वो क्या करता है, वो वहीं पे जम जाता है उसकी वजह से। बल्कि ऐसा नहीं है कि जो डेथ का काज हुआ या जो पुट्रिफैक्शन हो रहा है उसके नतीजे में ये पिंक पीस नहीं अपीयर होता, बल्कि जो वेसल्स के बाहर डेथ वो था ब्लड था, अब वो वहीं पे उसकी हेमोलाइसिस होना शुरू हो जाती है,
वो इंडिपेंडेंट है, मोड ऑफ डेथ, काज ऑफ डेथ या पुट्रीफैक्शन ऑटोलिसिस से हो रहा है या बैक्टीरिया से, उससे नहीं मतलब है। डेथ के 1 से 2 हफ्ते के बाद यूजुअली मिल जाते हैं, किसी भी कंडीशन में डेथ हुई हो उसमें पिंक टीथ मिलते हैं। अगर कोई ये पूछे पिंक टीथ कब मिलते हैं, तो 1 to 2 वीक्स आफ्टर डेथ। अब ये इंडिपेंडेंट कंडीशन है, काज ऑफ डेथ हो या जो कार्बोक्सी में हेमोग्लोबिन हो रही है उसकी वजह से नहीं। अब कौन कौन से फैक्टर है जो पुट्रीफैक्शन को अफेक्ट करते हैं, मैं सबसे पहले आता है एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर में हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये कहा जाता है जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है डिकम्पोजिशन के लिए, वो कितना होना चाहिए, 21 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सबसे अच्छा टेम्परेचर माना गया है डिकम्पोजिशन के लिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर 21 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस रेंज के चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, चाहे 21 डिग्री से नीचे का टेम्परेचर हो या 38 डिग्री से ज्यादा का टेम्परेचर हो, तो जो रेट ऑफ पुट्रीफैक्शन है डिकम्पोजिशन का जो रेट है वो स्लो हो जाता है। बेस्ट जो है वो यही ऑप्टिमल टेम्परेचर है जिसपे होता है। अब अगर टेम्परेचर लेस देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, पुट्रीफैक्शन होगा, डिकम्पोजिशन होगा, नहीं होगा, रुक जाता है। अगर लेस देन 0 डिग्री का टेम्परेचर है तो पुट्रीफैक्शन रुक जाता है। और इसी तरीके से टेम्परेचर अगर मोर देन 48 डिग्री सेंटीग्रेड का है तो वहां पे भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यानी नियरली स्टॉप कर जाता है, डिकम्पोजिशन अब नहीं होगा, नियरली स्टॉप कर जाता है, डिकम्पोजिशन रुक जाता है मोर देन 48 डिग्री सेंटीग्रेड पे या लेस देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ऑप्टिमल टेम्परेचर क्या है, 21 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब रेट ऑफ डिकम्पोजिशन की बात आती है, एक चीज पूछा जाता है अक्सर कि पानी में, हवा में या जमीन के अंदर जो पुट्रीफैक्शन का रेट है, डिकम्पोजिशन का रेट है वो क्या होगा। तो उसको एक टर्म एक साहब ने दिया था, उनका नाम है कैस्पर्स डिक्टम। उनका सबसे ज्यादा, सबसे तेज, सबसे आसानी से जो डिकम्पोजिशन होता है वो एयर में होता है, उसके बाद वाटर में होता है, और सबसे लेट डिकम्पोजिशन किस में होता है, सॉइल में होता है, मिट्टी में होता है। अगर एयर में मान लीजिए डिकम्पोजिशन 1 वीक में हो रहा है, वाटर में 2 वीक एंड सॉइल में 8 वीक, 8 हफ्ते लगते हैं। तो ये जो रेशियो बनता है 1:2:8 एयर वाटर एंड सॉइल का, ये कैस्पर्स डिक्टम कहलाता है। ठीक, अब सेकंड जो है एक्सटर्नल फैक्टर में वो है मॉइस्चर। जवाब करना करें प्लीज, कौन किसी का माइक आने प्लीज बंद कर। जो सेकंड फैक्टर है वो है मॉइस्चर। अब जो मॉइस्चर होता है कहीं पे भी, अगर मॉइस्चर रहेगा तो जाहिर सी बात है बैक्टीरियल ग्रोथ होगी। अब जितना ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे उतनी ही तेजी के साथ डिकम्पोजिशन होगा। तो मॉइस्चर क्या है, ये हेल्पफुल कंडीशन है डिकम्पोजिशन के लिए। अब अगर कहीं पे मॉइस्चर नहीं है, बॉडी फौरन क्या करेगी, ड्राई हो जाएगी। अब ड्राई हो गई तो फिर डिकम्पोजिशन रुक जाता है। अब जब डिकम्पोजिशन रुक गया तो फिर दूसरी कंडीशन क्या होती है, इसी का मॉडिफाइड वर्जन है पुट्रीफैक्शन का, वो है मम्मीफिकेशन। अगर मॉइस्चर नहीं है तो वहां पे फिर मम्मीफिकेशन शुरू हो जाता है। मम्मीफिकेशन शुरू हो जाता है। एयर की बात करिए, जो देखिए जो स्टैग्नेंट एयर होती है, हवा कहीं रुकी हुई हवा यानी क्लोज्ड रूम में है, तो वो डिकम्पोजिशन को और प्रमोट करती है। और मूवमेंट ऑफ एयर है, कहीं बहती हवा है तो वो डिकम्पोजिशन को रिटार्ड करती है, रोकती है। क्यों, क्योंकि जब हवा बह रही है तो वो क्या करती है, वो मॉइस्चर भी अपने साथ लेके जाएगी, वो मॉइस्चर भी बॉडी से लेके जाएगी, तो जो डिकम्पोजिशन रेट है वो स्लो हो जाएगा। स्टैग्नेंट एयर है तो वहां पर डिकम्पोजिशन रेट बढ़ जाएगा, और अगर मूविंग एयर है खुले में है तो वहां पर डिकम्पोजिशन रेट उस स्टैग्नेंट एयर के मुकाबले में कम रहेगा। फिर अब बात आती है क्लॉथिंग की, कपड़ों की। अब जाहिर सी बात है कपड़े हैं तो जो इवापोरेशन होगा बॉडी फ्लूइड का वो धीरे धीरे होगा,
तो कपड़े क्या हेल्पफुल कंडीशन है किसके लिए? डिकम्पोजिशन को रोकने के लिए। इसी तरीके से जब मौसम की बात आती है तो विंटर्स में जाहिर सी बात है ठंडा मौसम है तो पुट्रिफैक्शन देर में होता है, अब गर्मियों में पुट्रिफैक्शन जल्दी होता है। मैनर ऑफ बरियल, अब दफनाया कैसे गया? अब ये एक चीज ये होती है कि जितनी जल्दी कहा जाता है कि जितनी जल्दी डेड बॉडी को अगर दफन कर दिया जाए तो पुट्रिफैक्शन उतनी ही देर में उसमें होगा, और जितनी देर बाद आप दफन करेंगे उतनी ही जल्दी उसमें पुट्रिफैक्शन स्टार्ट होगा। एक तो ये टर्म हो गया। दूसरी चीज ये होता है डेप्थ, जितनी गहराई में दफन की जाएगी उतना ही लेट डिकम्पोजिशन होगा, और जितनी शैलो में आप मतलब ऊपर की तरफ ही अगर आपने दफन कर दिया उसको तो उसमें डिकम्पोजिशन ज्यादा तेज होगा। और अगर जो मिट्टी है वो ड्राई है या सैंडी है, बालू वाली मिट्टी यानी डेजर्ट की बात अगर करें, या ताबूत में रख के दफन किया गया, काफी ताबूत में रख के उसको दफन किया गया, तो जब जाहिर सी बात है ताबूत में आपने रख दिया तो वहां पे एयर वाटर इन चीजों का गुजर नहीं होना है। ड्राई है या सैंडी सॉइल है तो वो भी मॉइस्चरलेस होती है, वहां पे मॉइस्चर नहीं होता है, तो जहां पे एयर वाटर नहीं होगा वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ग्रो नहीं करेंगे, तो जो पुट्रिफैक्शन है या डिकम्पोजिशन है वो वहां पे बहुत स्लो हो जाएगा। ये थे एक्सटर्नल फैक्टर। अब इंटरनल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर्स में भी कुछ है लाइक एज, एज ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अब कहा जाता है कि जो स्टिल बॉर्न है में पुट्रिफैक्शन नहीं होता है, स्टिल बॉर्न है या ऐसे इन्फेंट जिनको फीड नहीं किया गया, विच आर अनफेड, स्टिल बॉर्न या इन्फेंट जिनको फीड नहीं किया गया या जिन्होंने सांस नहीं लिया, अनब्रीदेड, जिन्होंने सांस नहीं लिया, इनमें जो प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन है वो स्लो होगी। क्यों? क्योंकि एक तो इन्होंने सांस नहीं लिया, इनको फीड नहीं किया गया, स्टिल बॉर्न है, तो ये जो भी कंडीशन है ये स्टराइल कंडीशन है। अब स्टराइल कंडीशन है और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बाहर से ही तो इन्वेट करते हैं अंदर की। अब ये स्टराइल थी तो इस पे टाइम लगेगा इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रो करने में, तो इनमें जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन होता है वो काफी स्लो होता है, स्टिल बॉर्न में इन्फेंट जिनको फीड नहीं किया गया या ऐसे बेबीज जिनकी बर्थ तो हुई लेकिन उन्होंने कोई सांस नहीं लिया, इनके में रेट ऑफ पुट्रिफैक्शन वो बहुत स्लो हो जाता है। इसके अलावा बच्चों की जो बॉडी है वो डिकम्पोज तेजी के साथ होती है, और जो ओल्ड पीपुल बूढ़े लोग हैं उनमें डिकम्पोजिशन का रेट स्लो होता है इन कंपैरिजन टू चिल्ड्रेन या एडल्ट। दूसरी चीज आती है जेंडर सेक्स, इसका ये है कि इसका बहुत ज्यादा इस पे असर नहीं पड़ता रेट ऑफ डिकम्पोजिशन में, लेकिन एक चीज कहा जाता है कि जो डिकम्पोजिशन होता है वो तेजी के साथ होता है किसमें? फीमेल्स में। कोई बताएगा इसका लॉजिक क्या है कि फीमेल्स में डिकम्पोजिशन क्यों ज्यादा हो तेजी से होगा इन कंपैरिजन टू मेल्स? फैट की डिपोजिशन क्योंकि फीमेल्स की बॉडी पे पूरी एक एक्सटर्नल लेयर होती है अलग से सबक्यूटेनियस फैट की। अब जाहिर सी बात है फैट है तो वहां पे मॉइस्चर होगा, फ्लूइड कंटेंट वहां पे होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा हीट मौजूद रहेगी, बॉडी जल्दी से कूल नहीं होती है, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आसानी के साथ ग्रो करते हैं, मॉइस्चर वाली कंडीशन है, तो ऐसे में इनका जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है वो इन कंपेरिजन टू मेल फास्ट होगा। कंडीशन ऑफ द बॉडी, अगर कोई बॉडी है जिसको डिकम्पोज होना था, ने बात की थी अभी बरीड की, कि किसको हमने बरी किया या किसको शैलो वाटर में फेंक दिया, एक तो वो कंडीशन हो गई। दूसरी ऐसी थी जो इमेसिएटेड जिनको कहा जाता है यानी माल नरिश, माल नरिश बॉडी है वो ज्यादा तेजी के साथ उनके अंदर वो होगा पुट्रिफैक्शन, सॉरी जो माल नरिश बॉडी है उनमें पुट्रिफैक्शन ज्यादा तेज होता है इन कंपैरिजन टू मस्कुलर बॉडी के।
ये हो गई जो, सॉरी तो मैंने शायद उल्टा बोल दिया। हाँ देखिए, जो हेल्दी बॉडी है, मस्कुलर बॉडी है, उनमें पुट्रिफेक्शन तेज होगा इन कंपैरिजन टू माल नरिश बॉडी। माल नरिश में पुट्रिफेक्शन जो होता है वो लेट होता है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल फैट या हेल्दी बॉडी के। अब काज ऑफ द डेथ, अब कोई डेथ हुई है इंफेक्शन से या सेप्टिसीमिया से, ऑलरेडी वो इंफेक्शन से उसकी डेथ हो रही है, सेप्सिस हो रही है वहां पे, तो जाहिर सी बात है कि इन्फेक्शन पहले से ही मौजूद है, तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन वो तेज होगा, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन वो तेज होगा, जल्दी डिकम्पोजिशन, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे इन्फेक्शन मौजूद है, इन्फेक्शस एजेंट मौजूद है, सेप्सिस हो रही है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले से ही ग्रो कर रहे थे, वो और तेजी के साथ डिकम्पोज करना शुरू कर देंगे डेथ के बाद। अब वही बात आ गई, जो वेस्टिंग डिजीज होती है, क्वाशियरकर है, मरासमस है, अनीमिया है, इन सब कंडीशन में पुट्रीफेक्शन डिलेड होता है ना, यानी माल नरिश बॉडीज हैं तो पुट्रीफेक्शन इनके में क्या होता है, डिलेड होता है। अच्छा, कुछ पॉइजनिंग के केसेस भी हैं जिनमें पुट्रीफेक्शन काफी डिले से होता है, लाइक कार्बोलिक एसिड है, जिंक है। जिंक है या स्ट्रिक्नीन पॉइजनिंग है, फिनाल यानी कार्बोलिक एसिड, जिंक, स्ट्रिक्नीन पॉइजन, इनके में भी पुट्रीफेक्शन जो होता है वो डिलेड होता है, डिकम्पोजिशन बहुत देर के बाद इसमें होता है। इसके अलावा बॉडी पे अगर कहीं भी एक्सटर्नल इंजरी है, चाहे एंटीमार्टम इंजरी हो जाए या पोस्टमार्टम इंजरी हो जाए, वो बॉडी जो है डिकम्पोज करेगी जल्दी। क्यों? क्योंकि जो इंजर्ड एरिया है वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आसानी के साथ ग्रो करेंगे, जल्दी ग्रो करेंगे, बस ये सीधा से यही लॉजिक है। अब इसकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है? ये तो ये सेवरेस्ट साइन ऑफ डेथ है, सबसे सेवर साइन ऑफ डेथ वो यही है। अब इससे अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है तो उससे टाइम सिंस डेथ, ये इसका भी आसानी के साथ पता लगाया जा सकता है, लेकिन अगर डिकम्पोजिशन बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा डिकम्पोजिशन हो गया, तो फिर जो पर्सन की आइडेंटिटी है वो नहीं आप कर सकते, असर्टेन नहीं कर सकते कि हाँ ये फला शख्स है मेल आइदर। यहाँ भी सिर्फ एक चीज है कि वही ग्रेविड यूट्रस या प्रोस्टेट के जरिए ये पता लगाया जा सकता है कि मेल है फीमेल है, अदरवाइज सामने से देखने के बाद कोई नहीं बता सकता कि ये मेल है या फीमेल है, अगर बहुत एडवांस स्टेज पे डिकम्पोजिशन हो चुका है। ये इसकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस थी। अब सबमर्ज बॉडी का, वही सबमर्ज बॉडी का डिकम्पोजिशन कैसे होता है, कैस्पर्स डिक्टम की जब हम बात करते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ सबमर्ज बॉडी, वही बात मैंने बताई थी एयर, इसको सिंपल सा एक फार्मूला याद रखिए, एयर वाटर एंड सॉइल, 1:8, बस यही याद रखना है। मतलब जो रेट ऑफ पुट्रिफेक्शन है सबसे तेज कहाँ पे होगा, एयर में होगा, फिर वाटर में होगा, फिर सॉइल में होगा। तो कहा जाता है कि अगर एक हफ्ता लगेगा एयर में डिकम्पोज होने के लिए, तो वाटर में 2 वीक्स, 2 हफ्ते, और सॉइल में 8 वीक्स, 8 हफ्ते लगते हैं, ये कैस्पर डिक्टम है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंट्राडिक्शन भी है, अब क्योंकि मान लीजिए चलिए एयर वाटर की बात तो ठीक है, सॉइल में अगर फैलो बरियल है तो उसके लिए जो डिकम्पोजिशन है वो हो सकता है और पहले हो जाए, जो डीप बरियल है बहुत गहरे दफन किया गया है तो वहां पे डिकम्पोजिशन बहुत देर में होगा। उसके बाद दूसरी चीज ये भी है कि आपने दफन किया एक मैनर क्या है, अगर कॉफिन में है, ताबूत में दफन किया है तो उसमें और लेट होगा पुट्रिफेक्शन, तो इसलिए बस कभी कभी क्वेश्चंस में ये पूछा जा सकता है कैस्पर डिक्टम क्या है, किससे रिलेटेड है, तो हमें ये याद होना चाहिए कि हाँ ये पुट्रिफेक्शन से रिलेटेड है। क्या बताता है? रेट ऑफ डिकम्पोजिशन बताता है, और उसका फार्मूला यही है। क्या बताता है? रेट ऑफ डिकम्पोजिशन बताता है, उसका फार्मूला यही 1:8 का रेशियो इसमें लगता है। सबसे लेट डिकम्पोजिशन अकॉर्डिंग टू कैस्पर डिक्टम किस में होता है? सॉइल में होता है, 8 वीक्स में। अब एक टर्म कि अगर आपने पानी में कोई डूबता है तो हर किसी ने देखा होगा या सुना ही होगा कि डूबने को तो डूब गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसकी लाश फिर से ऊपर आ जाती है, तैरती है। क्यों? क्योंकि जब उसमें गैस बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाती है तो
फिर बॉडी क्या हल्की हो जाती है। जब हल्की होगी तो वो ऊपर की तरफ आ जाएगी, तैरने लगेगी। अब उसका टाइम है कि विंटर्स में कब पानी के ऊपर आ जाएगी तैरेगी और समर्स में कब आएगी। तो समर्स में तो 24 आवर्स आफ्टर डेथ, समर्स में यानी गर्मी में 24 आवर्स आफ्टर डेथ, और विंटर्स में 2 से 3 दिन लग जाता है। विंटर में 2 से 3 दिन लग जाता है, और गर्मी में आमतौर से 24 घंटे के अंदर बॉडी फिर से फ्लोट करने लगती है, यानी सतह पे आ जाती है, सरफेस वाटर पे आ जाती है डूबने के बाद भी। ये तो था इसका पूरा पुट्रीफैक्शन का या डिकम्पोजिशन का। अब इसी में जब हम बात करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए, तो एक टर्म और यूज होता है इंटमोलॉजी। इंटमोलॉजी क्या है? ये ऐसी है साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, इंसेक्ट या दूसरे आर्थ्रोपोड की स्टडी की जाती है डेड बॉडीज में, और उससे टाइम को अंदाजा लगाया जाता है कि अगर यहाँ पे ये इंसेक्ट मौजूद है, इसने एग हैच कर दिया, इसके लार्वा आ गए हैं, मैगट्स हो गया, प्यूपा बन गए, या एडल्ट फ्लाई फिर से बन रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो होता है टाइम सिंस डेथ का भी पता लगाया जाता है। ये चीज है इंटेमोलॉजी, यानी ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपोड्स फाउंड इन डेड बॉडीज दैट कैन शेड लाइट ऑन टाइम सिंस डेथ, द लेंथ ऑफ बॉडीज एक्सपोजर एंड वेदर द बॉडी वॉज मूव्ड आर नॉट। आमतौर से ये कहा जाता है कि जो मैगट्स क्या होते हैं, फ्लाइज के लार्वा होते हैं, 3 तरीके की फ्लाइज जो होती हैं, 3 तरीके की फ्लाइज आमतौर से डेड बॉडीज में पाई जाती हैं सबसे ज्यादा। मोस्ट कॉमन कौन सी फ्लाई होगी? यही जो हाउस फ्लाई है। उसके अलावा फिर आती है फ्लैश फ्लाइज एंड ब्लो फ्लाइज, ग्रीन बॉटल फ्लाइज, ये भी कभी कभी पाई जाती हैं खासतौर से समर में। ये अलग अलग तरीके की स्पेसीज है फ्लाइज की जो डेड बॉडीज में पाई जाती हैं। आमतौर से जो ये जो फ्लाइज होती हैं इनका जो जो एरिया होता है, कहाँ पे ये हैच करेंगी या कहाँ से ये इंटर होंगी, कहाँ पे ये एग हैच करती हैं, जो मॉइस्ट एरियाज होते हैं हमारी बॉडी के नियरली कौन कौन से होंगे, जो नोज है, माउथ है, या आईज के जो कैंथेसिस यानी दोनों तरफ के जो आंख के किनारे हैं, एक्सिलरी फोल्ड्स हैं, यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये एग ले करते हैं, अंडे देते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग अब अंडे दिए उसने, उससे क्या हैचिंग हुई, हैचिंग के बाद फिर लार्वा, मैगट और प्यूपा, तो अलग अलग कंडीशन वो बनती है। अब मान लीजिए हमने हाउस फ्लाई का एक एग्जांपल लिया, तो हाउस फ्लाई आमतौर से डेथ के 8 to 9 आवर्स, 8 से 9 घंटे के बाद, आफ्टर 8 to 9 आवर्स आफ्टर डेथ ये एग ले करती है। इसने अंडे दे दिए मौत के 8 से 9 घंटे के बाद। अब चाहे वो नोज के थ्रू उसने दिया हो या एक्जिलरी फोल्ड्स पे, कैंथेसिस पे, ईयर में, कहीं पे भी जहां पे मॉइस्ट एरिया था वहां पे उसने हैचिंग का अंडे दे दिए उसने। उसके बाद 8 से 9 घंटे के बाद उसने अंडे दिया। अब वो अंडे कितना टाइम लेंगे, 10 से 12 घंटे लेंगे तब उनकी हैचिंग होती है। हैचिंग ऑफ द एग अकर आफ्टर अबाउट 10 to 12 आवर्स। अब 10 से 12 घंटे के बाद तो उसकी हैचिंग हो गई, उसके अगले 1 से 2 दिन तक वो क्या होता है, वो उनमें प्रोसेस चलती है, उसमें मोल्डिंग होती है, 2 बार मोल्डिंग होती है। फर्स्ट चेंज जो होता है उसी लार्वा या मैगट में, वो 1 से 2 दिन के बाद होता है, इस 10 से 12 घंटे के बाद। अब जोड़िएगा 1 से 2 दिन के बाद पहला चेंज होता है, फिर अगले 1 से 2 दिन के बाद दूसरा चेंज होता है, सेकेंड चेंज। अब ये सेकेंड चेंज हो गया, अब इसी स्टेज में 1 से 2 दिन के बाद अगले, फिर इसी स्टेज में वो जो लार्वा था वो पड़ा रहेगा करीब कितने दिन तक, 2 से 3 दिनों तक, 2 से 3 दिनों तक। उसके बाद फिर लास्ट में ये मोल्ड होके प्यूपा या एडल्ट फ्लाई का शेप ले लेता है, एडल्ट फ्लाई बन जाती है। ये पूरा एक प्रोसेस था। तो आमतौर से जो मैचुरेशन होता है वो कितना टाइम लेता है, 1 to 2 वीक, 1 से 2 हफ्ता पूरा लेता है, यानी मौत के 8 से 9 घंटे के बाद एग लेइंग हुई, उसके 10 से 12 घंटे के बाद हैचिंग हुई, और 1 हफ्ता कम से कम लगेगा उसमें जो अलग अलग प्रोसेस होते हैं उनके एग्स में।
लार्वा से लेके फिर एडल्ट फ्लाई बनने में टोटल टाइम लगता है 1 से 2 हफ्ता, यानी 1 to 2 वीक फॉलोइंग डे। अगर यही सब है, यही इंटोमोलॉजी, ये चीज देख लिया, मान लीजिए सिर्फ एग मिल रहा है, तो ये कहा जा सकता है कि अभी मौत को ज्यादा देर नहीं, बस 8 से 9 घंटे हुए। लेकिन अगर उनकी हैचिंग हो गई है तो और इसी 8 9 में 10 और जोड़ दिए, यानी 19 से 20 घंटे हो चुके हैं, और वहां से फिर पूरी वो एडल्ट शेप में फिर से आ गए, तो 1 से 2 हफ्ता। ये इस तरीके से इसको डिफाइन किया गया है। अब नेक्स्ट जो आता है एडिपोस ईयर, यानी सेपोनिफिकेशन। बस ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, 10 मिनट और। अब एडिपोस ईयर क्या है? लैटिन में एडिपोस को कहते हैं फैट, और सीयर जो है वो वैक्स को कहते हैं, यानी वैक्स या फैटी लाइक अपियरेंस जब बॉडी की हो जाती है, और उसमें से एक स्पेसिफिक स्मेल आती है। कौन सी स्मेल आती है, किसी को याद है? रैंसिड बटर स्मेल उसको कहते हैं। रैंसिड बटर टाइप की स्मेल आने लगती है डेड बॉडी से। वही फॉर्मेशन ऑफ एन ऑफेंसिव सीट, रेंसिड स्मेलिंग, सॉफ्ट व्हाइटिश और ग्रेइश व्हाइट, वैक्सी एंड ग्रेजी मटेरियल, जो डेड बॉडी की फैट टिश्यूज है वहां पे इस तरीके के ये अपियरेंस होने लगती है, ये चीजें होने लगती हैं, तो उसी को कहा जाता है एडिपोसियर फॉर्मेशन। और ये क्या है? ये एक मॉडिफिकेशन है डिकम्पोजिशन का। मॉडिफिकेशन ऑफ डिकम्पोजिशन। अब इसका टाइम क्या है? टाइम रिकॉल, तो टाइम ही आमतौर से सबसे इम्पोर्टेंट है इन सब में। हार्ट एंड मॉइस्ट इन्वायरमेंट है, अगर कहीं पे मॉइस्चर है तो कम से कम 1 हफ्ता लगेगा एडिपोसियर फॉर्मेशन में, 1 हफ्ता लगता है अगर हार्ट एंड मॉइस्ट कंडीशन है तो। और अगर टेम्परेट कंट्रीज है जहां पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो वहां पे 3 वीक्स to 3 मंथ। ले लेता है एडिपोसियर फॉर्मेशन में, और मॉइस्ट कंडीशन है वहां पे तो 1 वीक। और ये भी कहा जाता है जो अर्लीस्ट रिकॉर्डेड है वो 3 दिनों में हुआ है एडिपोसियर फॉर्मेशन। सबसे पहले जो देखा गया अर्लीस्ट रिकॉर्ड जो मौजूद है वो ये है कि 3 दिनों में एडिपोसियर फॉर्मेशन हो गया है, वरना ये कहा जाता है कि एटलीस्ट 1 वीक तो लगना ही चाहिए। अब इसका मैकेनिज्म क्या है? तो देखिए सिंपल सी बात है, बॉडी में जो है अनसेचुरेटेड लिक्विड फैट जो है, और उसमें जो मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? ओलिक एसिड। ओलिक एसिड क्या है? अनसेचुरेटेड फैट है। अब यही जो है जब चेंज हो जाए किसमें? सेचुरेटेड सॉलिड फैट में। सेचुरेटेड सॉलिड फैट क्या? पाल्मिटिक एसिड है, स्टेरिक एसिड या हाइड्रोक्सी स्टेरिक एसिड। ये क्या है? ये सेचुरेटेड सॉलिड फैट है। इसमें भी मोस्ट कॉमनली जो ओलिक एसिड चेंज होता है वो किसमें होता है? पाल्मिटिक एसिड में। तो ये एडिपोसियर का फॉर्मेशन होता है। तो ये चीज हो गई डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे होता है कहाँ। अब जहां पे देखिए, जहां पे फैट टिश्यूज का एबंडेंस होगा, जहां पे फैट टिश्यूज सबसे ज्यादा पाई जाएंगी, जहां पे फैट टिश्यूज सबसे ज्यादा पाई जाएंगी वहीं पे एडिपोसियर फॉर्मेशन सबसे पहले देखा जाएगा, पाया जाएगा। तो कौन कौन सी जगह है? फेस, बटक, ब्रेस्ट, एब्डोमेन। हाँ, ये सब, इन सब जगहों पे क्या है? फैट टिश्यूज बहुत ज्यादा हैं, तो यहीं पे एडिपोसियर फॉर्मेशन सबसे पहले अपियरेंस इनकी होती है। ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, ये यूजुअल साइट्स हैं जहां पे होता है। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो एडिपोसियर फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं? तो पहली चीज क्या है? एज। एज में यही चीज याद रखनी है, जो लेस देन 7 मंथ के फीटस होते हैं,
उनमें एडिपोस ईयर फॉर्मेशन नहीं होता है। अच्छा, इसमें और एक कौन सा फेनोमेना नहीं होता? राइगर मोर्टिस। राइगर मोर्टिस भी नहीं होती है, एडिपोस ईयर फॉर्मेशन भी नहीं होता है। लेस देन 7 मंथ का अगर फीटस है तो उसके में एडिपोस ईयर फॉर्मेशन नहीं होता है। अब बिल्ट की बात की जाए तो अभी हमने बात की थी कि जहां पे फैट टिश्यूज सबसे ज्यादा होंगी, एडिपोस ईयर फॉर्मेशन सबसे पहले वहीं होगा। तो अगर कोई ओबीज पेशेंट है, पेशेंट कह रहा हूँ सॉरी, कोई ओबीज पर्सन था जिसकी डेथ हुई है, तो उनके में जल्दी एडिपोस ईयर फॉर्मेशन तेजी के साथ होगा, जल्दी होगा। मॉइस्चर है, देखिए किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए मॉइस्चर बहुत जरूरी हो जाता है। केमिकल रिएक्शन तभी होते हैं जब मॉइस्चर चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अनसेचुरेटेड लिक्विड फैट है, उसको बदलना है किसमें, सेचुरेटेड सॉलिड फैट में, यानी जो ओलिक एसिड है उसको बदलना है किसमें, पाल्मिटिक एसिड में। तो उसके लिए मॉइस्चर होना जरूरी है। हाँ, तो अब जो वाटर में है, जो बॉडीज वाटर में सबमर्ज की गई उनके में एडिपोस ईयर फॉर्मेशन जल्दी होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे मॉइस्चर ज्यादा है, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है, जो हीट होती है, हीट हीट की मौजूदगी में एडिपोस ईयर फॉर्मेशन तेज होता है, और अगर ठंडक है तो एडिपोस ईयर फॉर्मेशन स्लो होगा। यानी हीट क्या करती है, एक्सेलरेट कर देती है एडिपोस ईयर फॉर्मेशन को, और कोल्ड जो है वो स्लो कर देती है उस प्रोसेस को, एयर करंट। अब कहीं पे हवा बह रही है, बहती हवा इसके लिए खतरनाक है एडिपोस ईयर फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि वो बॉडी से जो मॉइस्चर कंटेंट है, जो लिक्विड है, उसको बहुत तेजी के साथ वो इवेपोरेट करा ले जाएगी एयर। तो ये क्या करती है, एडिपोस ईयर फॉर्मेशन को रोकती है, स्लो करती है। रनिंग वाटर है, अब रनिंग वाटर में भी एक जैसे एयर करंट है ना बहती हुई हवा, वैसे ही अगर रनिंग वाटर है, बहता हुआ पानी है, तो ये भी एडिपोस ईयर फॉर्मेशन को स्लो कर देता है। क्यों? क्योंकि जो रनिंग वाटर है वो इलेक्ट्रोलाइट्स को वॉश कर देता है बॉडी के सरफेस से। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जाहिर सी बात है जब इन्फेक्शन कहीं पे हो रहा है, एनरोब्स हैं लाइक क्लास्ट्रीडियम परक्रिंजेस हैं, ये क्या करते हैं, ये जो केमिकल रिएक्शन है इनमें असिस्ट करते हैं, असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं। तो अगर इन्फेक्शन की मौजूदगी में एडिपोस ईयर फॉर्मेशन जो होता है वो तेज हो जाता है। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस में क्या, साइन ऑफ डेथ है सबको पता है। इसके अलावा रफली हम टाइम सिंस डेथ का भी एस्टिमेट कर सकते हैं, कैसे, वही 1 वीक या 3 वीक टू 3 मंथ, इसके रफली है, सर्टेन मतलब नहीं है, फिक्स नहीं है, क्योंकि कहीं जल्दी हो रहा है कहीं लेट हो रहा है। बस यही इसका दो मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस था। अच्छा, एक टर्म अभी आएगा, ममीफिकेशन। एडिपोस ईयर और ममीफिकेशन में एक बहुत सिंपल सा फर्क है। सबसे पहले जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है दोनों, एडिपोस ईयर में क्या हो रहा था, जो फैट थे, जो लिक्विड फैट था वो किसमें चेंज हो रहा था, सैचुरेटेड फैट में, यानी जो फैटी टिश्यूज थे वो फैटी एसिड में चेंज हो रहे थे। और जो ममीफिकेशन होता है ना, वो बॉडी क्या करती है, डिहाइड्रेट हो जाती है, डेसिकेट हो जाती है, वहां से जो टोटल मॉइस्चर कंटेंट है वो एकदम खत्म हो जाता है। तो बॉडी की अपीयरेंस क्या होती है, एकदम श्रंकेन हो जाती है ममीफिकेशन में, इसमें थोड़ा सा। और जो स्मेल की बात कर रहे थे, इसमें रैंसिड स्मेल, वही रैंसिड बटर स्मेल टाइप इसमें एडिपोस ईयर में पाया जाता है, और ममीफिकेशन ओडोरलेस होता है, उसमें कोई स्मेल नहीं पाई जाती है। मॉइस्चर कंटेंट ममीफिकेशन में एकदम ना के बराबर होता है, और इसमें एडिपोस ईयर में मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। ये इसका बेसिक डिफरेंस था। नेक्स्ट जो आता है वो हमारा ममीफिकेशन। ममीफिकेशन अगर रैपिड डिहाइड्रेशन हो या डेसिकेशन हो किसी बॉडी का, चाहे इवेपोरेशन से हो जाए या हीट बहुत ज्यादा है कहीं पे, आपने इस ऐसी जगह पे लाइक डिजर्ट की बात कर ले, तो वहां पे इवेपोरेशन बहुत तेजी के साथ होता है। तो ऐसी कंडीशन में खासतौर से डिजर्ट में, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट होता ही नहीं है एयर में, तो वहां पे बजाय ना एडिपोस ईयर फॉर्मेशन के ममीफिकेशन ज्यादा जल्दी हो जाता है, एडिपोस ईयर फॉर्मेशन होता ही नहीं है। और खासतौर से ममीफिकेशन होता है कहाँ पे, जो एक्सपोज पार्ट है बॉडी के। बॉडी के एक्सपोज पार्ट कौन कौन से होंगे, हमारे हाथ है, चेहरा है, पैर है, ये सब क्या है, ये एक्सपोज पार्ट है। तो यहाँ पे सबसे पहले होता है, के बाद और दूसरी जगहों पे होता है। अब टाइम कितना चाहिए ममीफिकेशन के लिए,
टाइम कितना चाहिए, वेरिएशन इसमें बहुत ज्यादा है। थ्री टू 12 मंथ या उससे भी ज्यादा लग सकता है, 3 से 12 महीने या उससे भी ज्यादा टाइम लग सकती है ममिफिकेशन के लिए। जो फैक्टर्स होते हैं जो ममिफिकेशन को फेवर करते हैं, सबसे ज्यादा क्या है, हार्ट टेम्परेचर, लाइक डेजर्ट्स की जब हम बात करते हैं, मॉइस्चर एकदम नहीं होना चाहिए, ये और तेजी के साथ ममीफाई करते हैं बॉडीज को, हार्ट एंड ड्राई एटमॉस्फियर कह लीजिए। ह्यूमिड कंडीशन में ममीफिकेशन होता ही नहीं है बॉडी में, अगर ह्यूमिड कंडीशन है तो वहां पे एडिपोसियर फॉर्मेशन हो जाएगा लेकिन ममीफिकेशन नहीं हो सकता है। अब फ्री एयर मूवमेंट है तो क्या करती है, फ्री एयर मूवमेंट क्या करती है, ये जो बॉडी के फ्लूइड्स हैं उनको इवापरेट करा देती है, तो ये भी क्या करती है, मददगार है। या कोई ऐसी मीडिया है जो एब्जॉर्ब कर रही है, लाइक आपने शैलो ग्रेव में किसी को दफन किया हुआ है तो आसपास की जो सॉइल होती है वो क्या करती है, वो मॉइस्चर कंटेंट को खत्म कर देती है, या ड्राई सैंडी सॉइल्स हैं तो यहाँ पे क्या ममीफिकेशन बहुत तेजी के साथ होता है, क्योंकि बॉडी फ्लूइड जो होती है वो डिहाइड्रेट हो जाती है जल्दी के साथ, आसपास के जो सराउंडिंग्स है वो क्या करती है, मॉइस्चर कंटेंट बॉडी से खींच लेती है। या कुछ पॉइजनिंग है, लाइक पॉइजनिंग में क्रोनिक आर्सेनिक या एंटीमनी पॉइजनिंग है, तो ये ममीफिकेशन को फेवर करते हैं। क्रोनिक आर्सेनिक या एंटीमोनियल पॉइजनिंग है तो ये ममीफिकेशन को और फेवर